हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पेडागॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। इससे पहले मैं इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के मीनिंग्स बहुत अच्छे से डिटेल में विद सो मेनी सिंपल एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में जो हर एक डोमेन में इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है जो कि क्वेश्चन पेपर में आपको देखने में मिल सकती है, जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम उन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो ये क्लास थर्ड रहने वाली है केवीएस पेडागॉजी की। इससे पहले दो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो प्लीज़ डू वॉच देम एज वेल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर नहीं सब्सक्राइब किया फॉर एनी रीज़न, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। सो बेसिकली ये डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है जो कि हमारे सिलेबस में 5 डोमेन्स दिए हैं जो कि हमें अच्छे से जिनको पढ़ना है। सो हमें सिर्फ मीनिंग्स और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ के जाने, डेफिनेटली इनके अंदर बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने थियोरीज दी हैं, सो उन थियोरीज़ को भी हमें अच्छे से स्टडी करना है। सो ये सारे डोमेन्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी इससे पहली वाली वीडियो में। सो अभी हम जस्ट देख लेते हैं कौन कौन से डोमेन्स है। फिजिकल है, मॉरल है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल है, इमोशनल है, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब हम आते हैं अपने थियोरीज पे। सो पहले डोमेन जो सबसे पहले रहने वाला है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, हैंड्स लेग्स, इनकी ग्रोथ से रिलेटेड, ब्रेन की ग्रोथ से रिलेटेड, ये सब आ जाता है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में। फिजिकल डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है मोटर डेवलपमेंट। इसके अंदर हमने फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से समझा है विद मैनी एग्जाम्पल्स, इन दोनों का डिफरेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सो एक बार ही देख लेते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं हमारी बॉडी के लार्जर मूवमेंट्स, ठीक है, जो मसल्स एंड बोन्स से जो बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि जंप करना, रन करना, बैठना, उठना, ठीक है, ये सारे हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। और फाइन मोटर स्किल्स क्या हो जाते हैं, हाई और हैंड का कोऑर्डिनेशन, आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन, जैसे कि जिसमें आ सकता है राइटिंग, किसी को फ़ोन मिलाना, तो ये है फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल। तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का यूनिवर्सल स्टेजेस है जो कि हमेशा अगर हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ये स्टेजेस हम बिल्कुल पढ़ते ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से आते हैं, ठीक है। कि और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने हर एक स्टेज का क्या बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, मतलब अगर इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 साल की उम्र तक का बच्चा है वो क्या करता है इस स्टेज पीरियड में, चाइल्डहुड स्टेज में क्या क्या होता है, 2 से 6 साल की उम्र तक में बच्चे में क्या क्या बदलाव आते हैं, देन लेटर चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तो यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो गई, बट हमारे 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं जिनसे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तो हमने यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा जो कि हमें चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है, बट अकॉर्डिंग टू रॉस, ठीक है, रॉस भी बहुत इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी 4 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के। अब देखिए वो कौन कौन से हैं। वो सबसे पहला इन्होंने स्टेज दिया है इन्फेंसी, बट अभी तक जो हमने इन्फेंसी स्टेज पढ़ा था वो क्या था, 0 to 2 years, बट रॉस के अकॉर्डिंग जो इन्फेंसी स्टेज है वो है 1 से 3 वर्ष तक। 1 से 3 साल का बच्चा इन्फेंसी पीरियड में आता है। देन है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड आता है 3 से 6 साल की उम्र के बीच में। फिर आता है लेटर चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल में। फिर आता है बाद में एडोलेसेंस जो कि रहने वाला है 12 से 18 साल। जो हमारे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है वो रहने वाले हैं रॉस, इन्होंने भी 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं और वो क्या है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। इससे पहले जो हमने बेसिक यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे उसमें क्या एज थी इन्फेंसी की, वो थी बर्थ से लेके 2 साल की उम्र तक के बच्चे को हम इन्फेंसी स्टेज में डालते हैं। बट अकॉर्डिंग टू रॉस जो इन्फेंसी स्टेज का पीरियड है वो है 1 से 3. तो अगर आपको कोई भी नेम मेंशन नहीं है एग्ज़ाम में और आपसे पूछ लिया कि इन्फेंसी स्टेज का क्या ईयर पीरियड है, ठीक है, क्या टाइम पीरियड है, अगर आपको नेम नहीं गिवन तो आपको 0 to 2 years ही डालना है. बट अगर पूछ लिया कि अकॉर्डिंग टू रॉस क्या है, तब आपको 1 से 3 अगर ऑप्शन में होगा तो आपको वही मार्क करना है, ना कि 0 से 2 साल. ठीक है. सो ये इन्होंने 4 पीरियड्स दिए हैं. जो फर्स्ट इन्फेंसी है, ठीक है, इन्फेंसी में क्या है बच्चे की, इन्होंने बता रखी है कि बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है. बच्चे के जो सेंसेस है, सेंसरी मोटर स्किल्स, वो भी डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनने लगता है. अगर वो टच करता है वो समझ जाता है कि ये चीज़ गर्म है तो हाथ पीछे हटा लेगा. सो बेसिकली उसके सेंसेस, उसके सेंसरी मोटर स्किल्स और जो उसके फिजिकल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इस स्टेज में. फिर आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि है 3 to 6 years के बीच में. इसमें अब जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है वो इन्फेंसी पीरियड से कम देखी जाती है. जैसे कि जब बच्चा 1 से 3 साल की उम्र तक में उसके जो बॉडीली पार्ट्स है, ठीक है, जो उसके बॉडी पार्ट्स है वो एकदम से ग्रो करते हैं. 3 से 6 साल के बच्चे की इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर पाते. ऑब्वियसली हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, बट नॉट एज मच जैसे कि उसका 1 से 3 साल की वर्ष के बीच में बढ़ता है. देन आता है हमारा लेट चाइल्डहुड स्टेज. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है रॉस से रिलेटेड वो इसी पीरियड से पूछा जाता है. तो पहले हम देखते हैं लेट चाइल्डहुड स्टेज का क्या टाइम पीरियड है, वो है 6 to 12 years. ठीक है. और इस स्टेज को रॉस ने बोला है ये सूडो मेच्योरिटी स्टेज है. अब सूडो मेच्योरिटी का क्या मतलब है? सूडो मेच्योरिटी का मतलब है कि जो बच्चा है वो जो उससे बड़ा कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो उसे पसंद हो, सो जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं वो उनको इमिटेट करने लगते हैं, मतलब उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं कि आसपास के लोग उन्हें लाइक करें. है तो वो बच्चे, बट वो अपने आप को बड़ा दिखाने के बड़े वे में वो बिहेव करते हैं, जैसे कि बड़े लोग भी बिहेव करते हैं. और इसी पीरियड में, लेटर चाइल्डहुड पीरियड में ही जो बच्चे हैं उनको प्यूबर्टी के साइंस अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं. मतलब शुरुआत हो जाती है प्यूबर्टी की, जो कि 10 गर्ल्स में जो प्यूबर्टी एज है वो स्टार्ट हो जाती है 10 या 11 वर्ष के बीच. ठीक है. और जो बॉयज़ में स्टार्ट होती है प्यूबर्टी वो होती है 13 साल. सो बेसिकली जो लेटर चाइल्डहुड में प्यूबर्टी बच्चों को हिट कर जाती है. बट जो एडोलेसेंस एज है, जो कि है 12 से 18 वर्ष के बीच में, इस एज में बच्चों को प्यूबर्टी पूरे तरीके से आ जाती है. जो उनके बॉडी में चेंजेस है, जो उनके हार्मोनल चेंजेस है किसी भी व्यक्ति में, वो एडोलेसेंस एज में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. अब कोलेंसिक के हिसाब से इन्होंने 8 stages दी हैं. जो पहला है वो है प्रीनेटल स्टेज. ठीक है. जो प्रीनेटल स्टेज है, जब बच्चा अपने मदर की वूम में होता है तो उसको, उस स्टेज को बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज. अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है इस स्टेज में. ठीक है. नेक्स्ट है नियोनेटल स्टेज. अब इसका क्या टाइम पीरियड है? ये है फ्रॉम बर्थ टू 3-4 weeks. मतलब बच्चा पैदा हुआ है, सिर्फ 3-4 weeks का मतलब है 1 महीने तक. ठीक है. तो ये आ जाता है नियोनेटल स्टेज. फिर आता है अर्ली इन्फेंसी. सो जो अर्ली इन्फेंसी का टाइम पीरियड है वो है 15 से 30 months तक का. सो बेसिकली आप लगा लीजिए 2 या 2.5 साल के बीच का. सो बेसिकली 1.25 साल का जब बच्चा है, ठीक है, और 2.5 साल के बीच में ये पीरियड आता है अर्ली इन्फेंसी का. देन आता है लेट इन्फेंसी, जिसमें बच्चे का टाइम पीरियड है 5 to 9 years ऑफ एज. फिर हमारा आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड, देन आता है लेटर चाइल्डहुड, फिर आता है हमारा एडोलेसेंस. अब जितने भी ये स्टेजेस है, जो बच्चे का बिहेवियर है हर एक स्टेज में वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है. मतलब कि इन्फेंसी में रैपिड ग्रोथ ही रहने वाली है, एडोलेसेंस में ही प्यूबर्टी हिट करेगी. ठीक है. बस ये जो साइकोलॉजिस्ट्स है इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड्स में और अलग अलग स्टेजेस के नाम दे दिए और उनको अलग अलग टाइम पीरियड्स में फ्रेम कर दिया है. बेसिकली हर एक जो स्टेज है उसमें बच्चे का बिहेवियर मोर और लेस, आपको ग्रोथ उसमें सेम ही देखने को मिलेगी. और ये मैं हर एक स्टेज की ग्रोथ को मैं इससे पहली वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इस वीडियो में थ्योरीज है तो आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि कोलेंजिक ने 8 स्टेजेस में ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट को स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को डिवाइड किया है, तो आपको वो पता होना चाहिए और उनका क्या टाइम फ्रेम पीरियड है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो इसको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं विद सो मेनी एग्जांपल्स, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो बच्चे की कोई भी इंटेलेक्चुअल या फिर मेंटल डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चे की रीजनिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, थिंकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, सब कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, क्या बच्चा याद करता है, क्या बच्चे की लर्निंग है। सो ये उसके कॉग्निशन मतलब उसके दिमाग से रिलेटेड है। बेसिकली दिस डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है। एक तो है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे की जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट वो है। फिर है व्योस्केस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, देन फिर है चॉम्स्की की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो हम हर एक थ्योरी को अच्छे से अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है वो रहने वाली है जीन पियाजे की, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने इस थ्योरी के अंदर 4 स्टेजेस में बच्चे को डिवाइड किया है। एक है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन कम्स द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देन द लास्ट 4th स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। हम इन हर एक स्टेज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले उन्होंने और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करी है, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। सो पियाजे ने कॉग्निशन के अंदर जो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करी है वो है स्केमास के बारे में। स्टेजेस भी देने से पहले उन्होंने स्केमास के बारे में बात करी है। सो बेसिकली स्केमा होता क्या है? स्केमा इज़ अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर। सिंपल लैंग्वेज में स्केमास क्या है? बच्चे का थॉट या फिर बच्चे की थिंकिंग, ठीक है। अगर बच्चे के सामने आप कोई प्रॉब्लम रख दो कि ये तुम एक पजल सॉल्व करो, अब जो बच्चे के दिमाग में जो थिंकिंग चल रही है, जो बच्चे के दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं अलग अलग उस पजल को सॉल्व करने के लिए, वो होते हैं स्केमास, ठीक है। सो वो बच्चे के जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो वो उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ही आ रहे होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो स्केमास होते हैं वो बच्चे के थिंकिंग, पैटर्न ऑफ थिंकिंग या फिर उसका थॉट है इन सिंपल लैंग्वेज। स्केमा से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि स्केमा होता क्या है, या फिर आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ये इसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्केमास। तो आपको स्केमा का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। स्केमा क्या है? सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर विच अ चाइल्ड हैज़ वाइल ही इज सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से पहले जो सेकंड नंबर पे इन्होंने बात करी है पियाजे ने, वो करी है स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन की। सो डेवलपमेंट से भी पहले जो बच्चा चीज़ों को कैसे, इन्वायरमेंट की चीज़ों को अपने दिमाग में अडेप्ट करता है, उनको इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 3 चीज़ों के, 3 थिंग्स के हिसाब से समझा रखा है, एंड दैट इज़ असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन या फिर डिसइक्विलिब्रेशन। तो इनको अब हम एक एक करके समझेंगे। सो सबसे पहले हम समझेंगे असिमिलेशन। व्हाट इज असिमिलेशन? असिमिलेशन मीन्स ऑब्जर्विंग समथिंग न्यू इन टू प्रेजेंट स्केमास। अभी हमने स्केमास के बारे में समझा है। स्केमास मतलब थिंकिंग या फिर बच्चे का थॉट, ठीक है। सो असिमिलेशन क्या होता है कि जब भी बच्चे को कोई न्यू एक्सपीरियंस मिलता है या फिर कोई न्यू आइडिया होता है, वो अपने पास्ट के थॉट से उसे रिलेट करता है, तो उसे हम बोलते हैं असिमिलेशन। अब जो छोटा बच्चा है, अब उसको बहुत सारे तो एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, ठीक है। जो घर में वो देखता होगा वही उसके लिए एक्सपीरियंस है, बट अगर बच्चा घर के बाहर निकलता है तो वो नई नई चीज़ें देखेगा। अब उन नई नई चीज़ों को वो अपने पुराने जो थॉट है, जो उसने घर में देखे हैं आइडियाज़, उनसे रिलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। न्यू एक्सपीरियंसेस को अपने पुरानी इन्फॉर्मेशन में डालेगा जो कि उसके ऑलरेडी दिमाग में है, तो उसे हम बोलेंगे असिमिलेशन। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन. अकोमोडेशन मीन्स चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्शंस फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें भी बेसिकली ये थोड़ा थोड़ा असिमिलेशन की ही तरह है. अकोमोडेशन में भी जो बच्चा है इसको कोई न्यू एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, और उसने भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अपने जो उसकी प्रेजेंट थिंकिंग है, जो उसके प्रेजेंट स्केमाज है, उसमें इसने न्यू इन्फॉर्मेशन डाल ली. अब न्यू इन्फॉर्मेशन वो कैसे डालेगा? अपने न्यू एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है. सो ये हो जाएगा अकोमोडेशन. अब आपको लग रहा होगा असिमिलेशन और अकोमोडेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है. सो असिमिलेशन में जो बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन डालता है, ठीक है, अपने दिमाग में, अपने स्केमाज में अगर वो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, सो जो उसका वे ऑफ थिंकिंग है वो लगभग सेम ही रहता है. उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होते. बट अकोमोडेशन में जब उसका न्यू एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, फिर जो उसके दिमाग में जो न्यू इन्फॉर्मेशन उसके स्केमाज में ऐड होती है, जो उसका वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हो जाता है. मतलब उसको बिल्कुल ही नई इन्फॉर्मेशन मिलती है. जो वो पहले सोचता था वो उसको गलत सोचता था, बट उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई तो अब उसको बिल्कुल ही नई चीज़ पता चल गई. सो बेसिकली यहाँ पे जो उसका थॉट है, यहाँ पे थॉट्स में मॉडिफिकेशन है. सो असिमिलेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड तो होती है ओल्ड स्केमा में, बट मॉडिफिकेशन ऑफ थॉट नहीं होता. बट एकोमोडेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती है स्केमाज में, बट मॉडिफिकेशन ऑफ थॉट होता है. अब इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक घर में छोटा बच्चा है और उसके पास घर में उसके पेरेंट्स ने एक पेट कैट रखी हुई है, एज अ पेट एक बिल्ली रखी हुई है. अब उस बिल्ली को वो रोज़ देखता है, तो उसके दिमाग में जो स्केमाज है वो क्या है कि एक बिल्ली है, उसकी 4 लेग्स होती है, उसकी टेल होती है, उसके 2 ईयर्स होते हैं, ठीक है. बट उसने अभी बिल्ली को कभी बोलते हुए नहीं सुना, ठीक है. बिल्ली क्या कैसी आवाज़ निकालती है, साउंड निकालती है, मियाऊं. बट उसने कभी बिल्ली को बोलते हुए नहीं सुना, बस उसने अपने घर में बिल्ली को देखा है. तो जो उसके स्केमाज में इन्फॉर्मेशन जो अभी है वो क्या है कि एक टेल है, 2 ईयर्स है, 4 लेग्स हैं, उन लेग्स के ऊपर बिल्ली चलती है. अब एक दिन बच्चा बाहर गया अपने पेरेंट्स के साथ. अब वहाँ पे इसने एक बिल्ली देखी. अब जैसी बिल्ली सामने से चलती आ रही थी रोड पे, तो वो समझ गया ये कैट है क्योंकि इसकी 4 लेग्स है, 2 ईयर्स है, एक टेल है. बट एकदम से बिल्ली ने आवाज़ निकाली मियाऊं, ठीक है. अब बच्चे का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो हिल गया क्योंकि इससे पहले तो देखा ही नहीं इसने बिल्ली को आवाज़ निकालते हुए. अब जो स्टेज है वो डिसइक्विलिब्रेशन की है. डिसइक्विलिब्रेशन और इक्विलिब्रेशन भी अभी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे. मतलब क्या होता है इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन का? अगर बच्चे के जो स्केमाज है वो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, अगर वो उनसे सक्सेसफुली डील करते हैं, अगर जो वो सोच रहा है, अगर जो उसने इन्फॉर्मेशन जो वो सोच रहा है अगर वो सही है तो मतलब वो इक्विलिब्रेशन है. अगर वो इन्फॉर्मेशन जो सोच रहा है न्यू एक्सपीरियंस से उसको कोई न्यू चीज़ मिल रही है, ठीक है, जानने को, बट जो उसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिमाग में उससे मैच नहीं कर रही, तो ये स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रेशन है. अभी जैसे कि मैंने आपको कैट का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, यहाँ पे डिसइक्विलिब्रेशन स्टेज कैसे आ गई? अभी तक बच्चे को लग रहा था कि वो बिल्ली सामने से आ रही है, जो एक एनिमल आ रहा है वो बिल्ली है. तो जैसी अभी तक वो सोच, अभी जब तक उसने आवाज़ नहीं निकाली थी तो वो इक्विलिब्रेशन स्टेज पे था. बट जैसी बिल्ली ने आवाज़ निकाल दी, मियाऊं कर दिया, उसको समझ नहीं आया कि ये बिल्ली ऐसे तो नहीं करती, हमारे घर में जो बिल्ली है ये ऐसे तो नहीं करती, तो ये कौन सा एनिमल है? अब यहाँ पे जो इसकी इन्फॉर्मेशन है दिमाग में, उससे पुराने एक्सपीरियंस जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है मैच नहीं करी, तो ये स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रेशन यहाँ पे पैदा हो गया. अब जो उसके पेरेंट्स उसके साथ में खड़े हैं, उस बच्चे को उन्होंने चीज़ बताई कि बेटा जो बिल्ली होती है वो मियाऊं करके आवाज़ निकालती है, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे एसिमिलेशन में उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई. अब वो न्यू इन्फॉर्मेशन क्या ऐड हुई है कि जो बिल्ली है, ठीक है, उसके 2 कान होते हैं, एक टेल होती है, 4 लेग्स होते हैं और वो मियाऊं भी आवाज़ निकालती है. तो ये हो गया स्टेट ऑफ एसिमिलेशन. मतलब उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली बट कोई ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं आया, कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं आया उसके थॉट में, बस उसको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ठीक है ये मियाऊं आवाज़ भी निकाल देती है. अब कुछ हफ्तों बाद बच्चा फिर से अपने पेरेंट्स के साथ बाहर मार्केट में गया। अब उसने एक सामने से एनिमल आता हुआ देखा, वो देखा डॉग। अब डॉग वो 4 legs, 2 ears, 1 tail, ठीक है, सामने से चलता आ रहा है। बच्चे को लगा ये तो बिल्ली है। क्यों? क्योंकि इसके घर पे जो पेट है उसके भी 4 legs, 2 ears और 1 tail है, तो उसको लगा ये क्या है, ये बिल्ली आ रही है। बट एकदम से डॉग ने आवाज निकाल दी, भाऊ भाऊ, ठीक है, ही बार्क्ड। तो उसने एकदम से जैसी डॉग भौंका, अब अगेन स्टेट ऑफ डिस इक्विलिब्रेशन आ गया। उसको लगा अरे बिल्ली तो मियाऊ आवाज निकालती थी, ये भाऊ भाऊ क्यों कर रहा है, ये क्या एनिमल है। अब उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया, नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, ये क्या है, ये एक डॉग है, ये एक कुत्ता है, ठीक है। अब बच्चे को यहाँ पे एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, जो कि उसके ओल्ड स्केमा में ऐड हुई, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया। वो कैट में इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हुई, बट ये तो बिल्कुल ही न्यू इन्फॉर्मेशन इसे पता चल गई डॉग के बारे में। तो यहाँ पे accommodation हुआ है, ना कि assimilation। So I hope with this example आपको assimilation, accommodation, equilibration and disequilibration का मतलब समझ में आ गया हो। सो पियाजे, आप एक फिगर देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो पियाजे ने क्या बोला है, जब बच्चे को न्यू सिचुएशन मिलती है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो एकदम डिसइक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, ठीक है, वो एकदम उसका दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। अब फिर जो उसका पेरेंट होता है या कोई भी जो उसके साथ में बड़ा होता है उसको न्यू इन्फॉर्मेशन देता है। अब वो न्यू इन्फॉर्मेशन या तो वो असिमिलेट करेगी या तो अकोमोडेट करेगी, या तो पुरानी इन्फॉर्मेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत ऐड होगी, उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या तो बिल्कुल ही उसका थॉट में अकोमोडेट हो जाएगा, मतलब न्यू मॉडिफिकेशन वाली उसको न्यू चीज़ जानने को मिलेगी जो कि अब तक वो बिल्कुल गलत सोचता आ रहा था। जैसे कि वो बिल्ली को कुत्ते को वो बिल्ली समझ रहा था, पेरेंट्स ने उसका डाउट दूर किया तो वो अकोमोडेशन हो गया, उसको बिल्कुल ही न्यू चीज़ जानने को मिली। अब बच्चे का जब डाउट क्लियर आज हो जाता है, देन बाद में क्या आ जाता है, जब बच्चे का डाउट क्लियर हो जाता है देन आ जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रेशन। तो न्यू सिचुएशन होती है, तो हमेशा न्यू सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे को न्यू एक्सपीरियंस में डिसइक्विलिब्रियम मिलता है, डिसइक्विलिब्रेशन स्टेट मिलती है। जब उसका डाउट क्लियर हो जाता है, या तो डाउट असिमिलेशन या तो अकोमोडेशन से क्लियर होगा, देन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रेशन क्रिएट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिनसे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और वो है 4 stages ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। सो बिफोर मूविंग ऑन लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक दीजिएगा, सो दैट यू नो योर कमेंट्स ऑलवेज मोटिवेट मी टू मेक न्यू मोर वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हो ऐसी मैं KVS पेडागॉजी के ऊपर न्यू वीडियोज़ लाऊँ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स, जैसे कि अभी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, वो बिल्कुल टॉपिक्स के रिलेटेड ही बनाई हैं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे ही बनाऊँ सो प्लीज़ मुझे कंटिन्यू, आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ कंटिन्यू द सीरीज़ सो दैट आई कैन रीड एंड यू नो गेट मोटिवेटेड, मुझे भी लगे कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो मैं आगे ऐसी और न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ। जो हमारी सबसे पहली स्टेज रहने वाली है वो रहने वाली है सेंसरी मोटर स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, और इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम बर्थ से 2 years, मतलब बच्चे के जन्म होने से 2 साल के बच्चे तक का सेंसरी मोटर स्टेज चलता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब हम इस स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपने सेंसेस के थ्रू अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की चीज़ों को या फिर लोगों को एक्सपीरियंस करता है, उसका कॉग्निटिवली इतना माइंड डेवलप नहीं करता है। सो वो अपने सिर्फ सेंसेस और मोटर, अब मोटर क्या होते हैं, मोटर मतलब मसल्स, मतलब जब बच्चा ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा होता है वो एकदम से मूवमेंट्स नहीं करता, मोटर मूवमेंट्स, मतलब जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है 3-4 महीने का वो हाथ पैर हिलाना शुरू करता है। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट मोटर इज़। और सेंसरी मतलब सेंसेस, जो हमारे बॉडी के 5 senses है, आईज, नोज, ईयर, टच मतलब स्किन या फिर माउथ। सो बच्चा इन्हीं सेंसेस के थ्रू अपने आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, ना कि सोच के। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है, बच्चा सीधा मुँह में डाल लेगा, ठीक है। सो बेसिकली वो अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, एक्सप्लोर करता है अपने आसपास की सराउंडिंग्स को. सो द फर्स्ट पॉइंट इज नो द वर्ल्ड थ्रू मोमेंट्स एंड सेंसेशंस. ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने डिस्कस किया. देन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग. बच्चे को अभी सिर्फ इस स्टेज के अंदर सिर्फ मुश्किल से 4 चीज़ें ही करनी आती है. वो क्या है? सबसे पहले है सकिंग, मतलब वो कोई भी चीज़ होता है वो मुंह में डालता है. अब उसको ये नहीं पता वो अच्छी चीज़ है बुरी है, बट सबसे पहले वो उसको हाथ में पकड़ेगा, देन उसको मुंह में डालेगा. देन बाय लुकिंग, मतलब अगर आप उसको आवाज़ लगाओ. लिसनिंग, अगर आप उसको आवाज़ लगाओ वो आपको सुनेगा और फिर आपको देखेगा. सो बेसिकली इस स्टेज में बच्चा जो अपने आसपास के वर्ल्ड है, मतलब सराउंडिंग है, उनको इन्हीं मुश्किल से 4 से 5 एक्शन से एक्सप्लोर करता है. देन ऑब्जेक्ट परमानेंस. ऑब्जेक्ट परमानेंस से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे का कौन सी स्टेज में डेवलप होता है. सो कौन सी स्टेज है? सेंसरी मोटर स्टेज. और इसको हम आउट ऑफ साइट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम आउट ऑफ साइट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ साइट, या फिर कहीं कहीं जगह आउट ऑफ माइंड भी आपको देखने को मिल सकता है. अब ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? बेसिकली इस स्टेज में बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है. मतलब अगर बच्चे के आगे आप कोई चीज़ रखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉय, आपने एक बच्चे के आगे खिलौना रखा गाड़ी का और आपने उसके सामने ही छुपा दिया, ब्लैंकेट के अंदर, कंबल के अंदर आपने उस कार को छुपा दिया, टॉय को. अब जो बच्चा है उसके दिमाग में उसकी छवि बन जाएगी और उसने देख लिया अगर कि वो ब्लैंकेट के अंदर आपने रख दिया, तो वो उसको ब्लैंकेट को हटा के उसको ढूंढने की कोशिश करेगा. अब अगेन बच्चा जब 1-2 महीने का है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं डेवलप होगा, बट हाँ जब बच्चा 6 महीने या 8 महीने 10 महीने का हो जाएगा, अगर आप उसके साथ ये एक्टिविटी करोगे, और जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, वो आराम से वो उस चीज़ को ढूंढ लेगा. मतलब उसके दिमाग में जो ऑब्जेक्ट है अगर आप छुपा भी दोगे तब भी उसको पता है कि वो छुपा दिया है, वो एग्जिस्ट करता है बट अभी वो हिडन है. सो बेसिकली व्हाट ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स. अब है इमिटेशन. इस स्टेज में बच्चे इमिटेट भी करते हैं. इमिटेट मतलब कॉपी करना या फिर नकल करना. अगेन बच्चा जब छोटा होगा 1-2 महीने का एकदम से आपको नकल नहीं कर पाएगा, बट हाँ जब बच्चा 6 महीने 8 महीने या 10 महीने का हो जाएगा, अगर आप बच्चे के आगे क्लैप करोगे, उसको बोलोगे क्लैपिंग क्लैपिंग, अगर आप खुद भी क्लैपिंग करोगे तो वो भी आपको देख देख के क्लैपिंग करने लगेगा, ठीक है. अगर आप एक फिंगर अप करके डांस करके दिखा रहे हो उसको, कि उसको बोल रहे हो कि करो करो, तो वो भी आपको, उसको आपकी लैंग्वेज चाहे समझ में नहीं आएगी, आप बोल रहे हो करो करो, बट हाँ वो आपको कॉपी करके वो भी अपनी फिंगर अप करके डांस करने की कोशिश करेगा. सो दिस इज व्हाट इमिटेशन मीन्स. अब हम सेकंड स्टेज के प्री ऑपरेशनल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये पियाजे की सेकंड स्टेज है और इसकी जो एज पीरियड है वो है 2 to 7 इयर्स ऑफ एज. सो जो इसके एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है ईगोसेंट्रिज्म. बहुत क्वेश्चन आता है इससे कि ईगोसेंट्रिज्म पियाजे की कौन सी स्टेज से बिलोंग करता है. सो दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज. इस स्टेज में जो बच्चा है वो बहुत ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है. उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है. वो औरों की फीलिंग्स और इमोशंस की कदर नहीं करता. वो बहुत ईगोसेंट्रिक होता है. जो उसकी फीलिंग्स है, अगर उसको कुछ चाहिए तो वो जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं मनवाएगा ही विल नॉट बी सैटिस्फाइड. देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रेशन. सेंट्रेशन क्या होता है? दिस इज द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एट अ टाइम. सेंट्रेशन मतलब जो बच्चा है वो अभी लॉजिकल थिंकर नहीं है, ठीक है. इस स्टेज में बच्चे में थोड़ा दिमाग आ जाता है बट अभी भी वो लॉजिकली सोच नहीं सकता. जो उसको दिखाई दे रहा है बस उसका दिमाग वहीं तक सीमित है. अब सेंट्रेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि एक बच्चे की मदर है, 2 भाई बहन है, तो उस बच्चे को लगेगा ये सिर्फ मेरी ही मम्मी है, ठीक है, और जो मैं इनको कह रहा हूँ वो वही करें, जो मैं उनको बोल रहा हूँ वो मेरी ही बातें माने, ना कि जो मेरा बड़ा भाई है या बड़ी बहन है वो उसकी भी मम्मी है, उसकी भी बातें वो मान सकती है. तो बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से यहाँ पे सोच रहा है. अब जैसे कि बच्चे की मम्मी है या पापा है, अब वो ये नहीं सोच सकता कि जो मेरे मम्मी पापा है वो भी किसी के बच्चे हैं, जैसे कि उसके दादा दादी के बच्चे हैं या फिर नाना नानी के बच्चे। सो बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से एक चीज़ को या एक सिचुएशन को देखता है अपने हिसाब से। देन आता है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले भी इसी स्टेज से बिलोंग करता है, जिसमें कि बच्चे आसपास बैठ के खेल रहे हैं बट वो अपने अपनी ही गेम्स खेल रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि साथ वाला बच्चा क्या खेल रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा जो प्लेवे में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो कोई टीचर किसी को एक पजल दे देगा, कोई टीचर किसी को दूसरे बच्चे को कुछ और गेम दे देगा, किसी को तीसरे को कुछ और गेम। वो बच्चा आपस में जो उनको गेम मिली है ना तो उसी में ही वो लगे रहेंगे, साथ वाले बच्चे को नहीं कहेंगे कि ये तू भी आ मेरे साथ खेल गया, तू क्या कर रहा है। जो उन्हें पकड़ा दिया मतलब वो आराम से खेलते रहेंगे विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर चाइल्ड। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज में जो बच्चा है वो चीज़ों को रिवर्स ऑर्डर में नहीं देख सकता क्योंकि वो लॉजिकल थिंकर नहीं बना है अभी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम बच्चे को ये तो सिखा सकते हैं कि 2+3 होता है 5, ठीक है, बट उसको ये चीज़ समझानी बहुत मुश्किल हो जाएगी या फिर उसे इरिवर्सिबल नहीं पता होगा कि चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है, ऐसे कि 5 - 3 2 होता है। या फिर हम और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्ले है, ठीक है, आपने उस क्ले को फ्लैट कर दिया, ठीक है, उसकी चपाती बना दी आपने, बेलने से उसको फ्लैट कर दिया एकदम। अब बच्चे को ये नहीं पता कि अगर मैं क्ले को दोबारा भी ऐसे गोल गोल करके जो उसका डो है मैं उसको दोबारा गोल भी कर सकता हूँ, नहीं, उसको लगा अब ये चीज़ चपाती बन गई तो बन गई। तो उसको उसमें जो इरिवर्सिबिलिटी है, जो रिवर्सिबिलिटी का थॉट है वो अभी नहीं आता, मतलब बच्चा यहाँ पे इरिवर्सिबल थॉट के हिसाब से चलता है। देन जो लास्ट पॉइंट है वो है दे ऑल्सो बिलीव दैट टॉयज लाइक डॉल्स हैव फीलिंग्स। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इस एज में बच्चे को लगता है कि जो टॉयज है, ठीक है, लाइक डॉल्स, तो उनमें भी फीलिंग्स होती है। तभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी डॉल्स से बातें करते हैं, उनको सजाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। सो बेसिकली उन्हें भी लगता है कि उनमें भी फीलिंग्स या फिर इमोशंस है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्री ऑपरेशनल स्टेज के। अब हम मूव करेंगे थर्ड स्टेज की ओर। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जो इसका टाइम पीरियड है वो है 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज। सो इस एज में जो बच्चे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जो लॉजिकल थिंकर्स बन जाते हैं। इससे पहली वाली स्टेज में दे आर नॉट लॉजिकल थिंकर्स, दे आर इलॉजिकल वंस, बट इधर यहाँ पे बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है, मतलब बच्चे दो एस्पेक्ट्स को देख सकता है, ये नहीं कि कोई सिचुएशन है उसको अपने हिसाब से ही देखे, दूसरे के हिसाब से भी वो नज़रिए से देख सकता है। देन आ जाता है कंजर्वेशन। इस स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन भी आ जाता है। अब कंजर्वेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक बच्चे के आगे 2 ग्लास रख दिए, एक लंबा ग्लास रख दिया और एक हमने जो हाइट में छोटा है बट वो चौड़ा है, ठीक है, एक लंबा पतला ग्लास रख दिया, और दूसरा ग्लास हमने रखा है छोटा और बट वो थोड़ा वाइड है, मतलब चौड़ा है बट हाइट में थोड़ा छोटा है। अब हम दोनों में जूस डाल देते हैं, तो हम बच्चे से पूछें अगर कि ज़्यादा किस में है तो बच्चा देखेगा कि जो लंबे वाला ग्लास है वो उसी को कहेगा कि इसमें ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये देखने में लंबा है। अब वो ये नहीं सोच सकता कि दोनों इक्वल है, क्योंकि बस उसकी चौड़ाई बढ़ा दी तो हाइट कम हो गई। वो इस वे में नहीं सोच सकता। कौन सी स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन आ जाता है, मतलब अब उसको ये पता चल जाता है चाहे साइज शेप से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर चीज़ें साइज में बड़ी है, लंबी है, या फिर एक कोई दूसरी चीज़ साइज में छोटी है बट वाइड है, दे आर इक्वल। तो इस स्टेज में ये चीज़ डेवलप हो जाती है, वेयर एज प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये चीज़ एब्सेंट होती है, नहीं होती बच्चों में। देन आ जाता है क्लासिफिकेशन, मतलब जो बच्चे हैं इस स्टेज में चीज़ों को ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बच्चों को कैटेगरी दे दी, फ्लावर्स बहुत सारे रख दिए और एनिमल्स की फ़ोटोज़ बहुत सारों की एक साथ लगा दी, अगर हम बच्चों को बोले ठीक है अब तुम इनमें फ्लावर्स को तुम एक जगह रख दो और एनिमल्स की पिक्चर्स को एक जगह रख दो, तो वो ईजिली क्लासीफाई करके दोनों कैटेगरीज में बच्चे उन फोटोज़ को लगा सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट क्लासिफिकेशन मीन्स। देन आता है सोशियोसेंट्रिसिटी, मतलब सोशियोसेंट्रिसिटी मतलब बच्चों में जो ईगो सेंट्रिक बिहेवियर होता है कि मैं ही ठीक हूँ, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो दूसरे का भी नज़रिया देखते हैं, वो जो मम्मी कह रही हैं वो उनको अब समझ में आ जाता है कि मम्मी ठीक कह रही हैं, वेरास पहली वाली स्टेज में उनको लगता था जो मैं कह रहा हूँ वो ही ठीक है। देन है सेरिएशन। सेरिएशन का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो चीज़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। अब चीज़ों को अगर कोई नंबर्स है, अगर हम उन्हें बोले इसको असेंड छोटे से बड़े में लगाओ तो वो लगा देगा, अगर हम उन्हें बड़े से छोटे में लगाओ तो वो भी लगा देगा, तो इसको बोलते हैं हम सेरिएशन। तो इस स्टेज में बच्चे को सेरिएशन भी आ जाता है। देन नेक्स्ट स्टेज इज फोर्थ स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि बच्चों में डेवलप होती है 12 साल की उम्र के बाद। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो फर्स्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, मतलब जो बच्चा है अब वो क्रिएटिव थिंकर बन चुका है और वो हाइपोथेटिकली भी सोच सकता है। मतलब कि अगर टीचर उसको कहे कि ठीक है, अगर कोई टीचर इसको एग्जाम्पल दे रहा है बच्चों को, अब वो उन्हें कह रहा है कि हाइपोथेटिकली मतलब तुम इस चीज़ को इस तरीके से सोचो, तो वो बच्चा उतनी क्षमता रखता है जैसे कि टीचर कह रहा है, वो उसको उस तरीके से सोच सकता है। अदरवाइज अगर वो खुद भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो हाइपोथेटिकली उसके लिए भी सोच सकता है। सिंपल लैंग्वेज में हाइपोथेटिकल का मतलब होता है वो सिचुएशन जो कि अभी तक हुई नहीं है, बट आप उनको दिमाग में सोच लो कि आगे ऐसी चीज़ें हो सकती है। सो इस स्टेज में बच्चा हाइपोथेटिकल क्रिएटिव थिंकर बन जाता है, उसके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग भी उसमें डेवलप हो जाती है। इससे पहले उसमें होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव क्या होती है कि टीचर अगर कोई पहले एग्जाम्पल दे फिर समझाए तभी उसको समझ में आएगा, बट यहाँ पे अगर टीचर सीधा कोई रूल समझा दे तो उसको वो रूल के बाद, समझाने के बाद एग्जाम्पल दे तो बच्चे को ये चीज़ भी समझ में अब आ जाएगी। फिर है सिस्टमैटिक प्लानिंग। इस स्टेज में बच्चा बहुत तरीके से सिस्टमैटिक प्लानिंग कर सकता है, बड़ी ऑर्गेनाइज वे में। इससे पहले बच्चा लॉजिकल थिंकर तो बन गया बट वो चीज़ों को ढंग से प्लान नहीं कर सकता, बट इस स्टेज में आके बच्चा सिस्टमैटिक प्लानिंग कर सकता है इफ़ ही इज़ मेकिंग एनी प्रोजेक्ट और समथिंग। सो जो नेक्स्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि दी गई है व्योत्स्के द्वारा, व्योत्स्के इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये भी बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है सो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा, बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब जो व्योत्स्के है, जो उनका मानना है, वो मानना है कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से, हम ऐसे टाइम फ्रेम में नहीं उसको डाल सकते कि वो इस साल तक इसका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा, बल्कि जो व्योत्स्के हैं उनका ये मानना है जो बच्चा है वो अपने सोशल इंटरैक्शन के थ्रू सीखता है। मतलब जो उसके आसपास के लोग हैं, वो जिस तरीके से वो लोगों से इंटरैक्ट करता है वो उसकी लर्निंग में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। उस बच्चे का जो इंटरैक्शन है विद हिज सोशल सराउंडिंग्स, उससे वो सबसे ज़्यादा सीखता है। सो बेसिकली इस थ्योरी के अंदर व्योत्स्के ने 3 चीज़ों का जिक्र किया है और वो तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में इस थ्योरी में उन्होंने बात करी है। सो पहली है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो बेसिकली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, अब हम वो समझेंगे। ये व्योत्स्के ने बताया है ये ऐसा स्पेस है, मतलब ये ऐसा डिस्टेंस है बच्चे की पोटेंशियल डेवलपमेंट और एक्चुअल डेवलपमेंट के बीच का। अब हम समझेंगे कि एक्चुअल और पोटेंशियल डेवलपमेंट होता क्या है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखिएगा। एक्चुअल डेवलपमेंट होता है कि बच्चा, अगर उसे कोई प्रॉब्लम दी गई है, वो उसे खुद सॉल्व कर सके विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। अगर आपने उसे सम दिया, अगर उसने सॉल्व कर दिया तो मतलब वो उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट है। अब पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है, अगर आपने बच्चे को एक सम दिया, वो सॉल्व नहीं कर पाया, बट अगर उसने किसी की हेल्प के थ्रू, अगर किसी ने उसको हिंट दे दिया या हेल्प कर दी, अगर बच्चे ने तब उसको सॉल्व कर दिया तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब जो बंदा उसकी हेल्प करेगा वो कौन करेगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। व्योत्स्के ने इस हेल्प को जो नाम दी है वो दी है मोर नॉलेजेबल पर्सन। अब मोर नॉलेजेबल पर्सन की एज फिक्स नहीं है कि वो उससे बड़ा ही हो, क्या पता छोटे बच्चे को अगर ज़्यादा नॉलेज है, अगर फिर भी वो उसको बता दे, हेल्प कर दे, तब भी, इसलिए ही इन्होंने मोर नॉलेजेबल पर्सन दिया है। बीट हिज टीचर, हिज पीयर ग्रुप मतलब हिज फ्रेंड्स ग्रुप, और बीट हिज पेरेंट्स। सो अगर कोई भी बच्चा किसी की हेल्प से, मोर नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प से सम सॉल्व कर देता है, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डेवलपमेंट. सो दिस इज व्हाट बेसिकली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज. ये एक ऐसा स्पेस है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस है या फिर स्पेस है अकॉर्डिंग टू व्योट्स के, कि बच्चा खुद कितना कर सकता है और किसी की हेल्प के थ्रू कितना कर सकता है. सो बेसिकली दिस इज व्हाट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज. आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं. इट इज द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस, मतलब इंडिपेंडेंटली, एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद adult guidance or in collaboration with more capable peers or या फिर more knowledgeable person. व्योट्सके ने जो term दी है वो दी है more knowledgeable person. यहाँ पे व्योट्सके ने scaffolding की भी बात करी है. अब scaffolding क्या होता है? Scaffolding होती है help, जो आपको more knowledgeable person ने आपको जो help दी है, चाहे वो समझा के दी हो, चाहे वो पिक्चर दिखा के दियो, चाहे वो मूवी दिखा के दियो, तो उस हेल्प को जो नाम दिया गया है वो व्योट्सकी ने दिया है स्काफोल्डिंग. ठीक है, जो मोर नॉलेजेबल अदर है या फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन है, मोर केपेबल पर्सन है, जो आपकी हेल्प करता है चीज़ों को समझने में, वो उस हेल्प को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है स्काफोल्डिंग. तो आपको स्काफोल्डिंग भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको उसका भी मतलब पता होना चाहिए. देन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाद व्योट्सके ने बात करी है प्राइवेट स्पीच की. सो प्राइवेट स्पीच क्या है? दिस टेक्स प्लेस व्हेन चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स बाय यूजिंग प्राइवेट स्पीच. सो इन्होंने बोला है, सो अर्ली एज में जब बच्चा छोटा है, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टाइम आता है, ठीक है, मतलब इन प्रोसेस होता है, जो बच्चा चीज़ें सीखता है, जब ये कॉग्निटिव डेवलप हो रहा होता है, मतलब उसका मेंटल एबिलिटीज़ जब डेवलप हो रही होती है, तो उस टाइम पे अगर बच्चा कुछ खुद से कर रहा है, तो वो कब करता है? खुद से बातें कर करके, कि अगर मैं ये करूँ तो ऐसा हो जाएगा. सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट प्राइवेट स्पीच इज, जब बच्चा खुद से ही बातें करता है. ठीक है, सो जो ये बच्चा करता है प्राइवेट स्पीच, ये खुद को गाइड करने के लिए ही करता है, सेल्फ गाइडेंस के लिए ही करता है. हाँ, बट जब बच्चा बड़ा बड़ा होता रहता है, जो इसकी प्राइवेट स्पीच है ये इसके इनर थॉट्स में बदल जाती है. मतलब अभी तो बच्चा सोचते बोली जा रहा है, खुद से बात कर रहा है, उसके आगे कोई भी नहीं है, मतलब अगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो खुद से ही बातें कर रहा है. बट जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो खुद से बात करना बंद कर देगा, जो उसके दिमाग में चल रहा है वो अपनी प्राइवेट स्पीच मन में ही रखेगा. सो वो उसका प्राइवेट स्पीच ना होके इनर थॉट में कन्वर्ट हो जाएगा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा. देन है मेक बिलीव प्ले. इसके बारे में भी व्योट्सके ने बात करी है. सो पियाजे कहते हैं मेक बिलीव प्ले से भी बच्चे बहुत सीखते हैं. अब कैसे? कि जैसे कि आप दो पिक्चर्स में देख सकते हैं, आप बच्चों को प्रिटेंड करना होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी डॉल के साथ मतलब शी इज़ द डॉक्टर इन दिस पिक्चर, तो वो असलियत में डॉक्टर नहीं है, शी इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग, वो अपनी डॉल को ट्रीट कर रही है. और यहाँ पे जो दो बच्चे हैं वो एस्ट्रोनॉट्स बने हैं, वो असलियत के एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, बट ये क्या है, दे आर जस्ट टेकिंग सच रोल्स. अब इन रोल्स को जब वो परफॉर्म करेंगे तो इन रोल से वो बहुत सीखेंगे. ठीक है, जैसे कि क्लास में टीचर ने, आपने देखा ही होगा, डिफरेंट प्लेस देती हैं. ठीक है, कि एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, एक बच्चे को पेशेंट बना दिया, तो ये हो गया मेक बिलीव प्ले. ऐसे प्ले से बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं. तो व्योट्सके ने इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में अपनी थ्योरी में जिक्र किया है. सो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो और इन तीनों से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है चॉम्स्की की थ्योरी. ठीक है, अब जो चॉम्स्की है वो क्या बोलते हैं, जब छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है, तो वो कैसे सीखता है? वो अपनी एज के हिसाब से या फिर वो लोगों से इंटरैक्ट करके नहीं सीखता, अपने सराउंडिंग से, जैसे कि व्योट्सके का मानना है, अपने कल्चर से, लोगों के आसपास के लोगों से बातचीत करके, इंटरैक्शन करके सीखता है. बट चॉम्स्की एकदम इसके ऑपोजिट मानते थे. वो क्या मानते थे? चॉम्स्की मानते थे कि जितनी भी लैंग्वेज है, ठीक है, उनका मोर और लेस सेम स्ट्रक्चर और सेम रूल है. सो जो भी बच्चा, हर एक बच्चा जो पैदा होता है, उसके दिमाग में ऑलरेडी फिटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिटेड रूल्स होते हैं, जिनकी वजह से बच्चा बहुत ही जल्दी लैंग्वेज समझने लगता है और बोलने भी लगता है. सो जो इनका मानना है नॉम चॉम्स्की का, उनका ये है कि यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी बच्चों के फिट होते हैं जब वो पैदा होते हैं, बस थोड़ी सी उम्र के बाद वो स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बच्चे खुद सीख लेते हैं, ना कि वो जो अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करके सीखते हैं। सो बेसिकली जो इन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बोले हैं जो दिमाग में बचपन से ही प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम दिया है उन्होंने द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब LAD। सो LAD की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। LAD क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या है? जो इंसानों के दिमाग में जो बच्चे होते हैं ऑलरेडी फिटेड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, और ये किसके द्वारा दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है, नॉम चॉम्स्की द्वारा। सो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारी जो रिलेटेड थ्योरीज थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो यही तीनों थी जिनसे ज़्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे CTET हो चाहे HTET हो, एंड स्पेशली इन KVS में। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यही थ्योरीज थी। आगे भी जो और डोमेन्स है लाइक इमोशनल, मॉरल, सोशल, उनकी भी अलग अलग थ्योरीज अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है, उसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप जितना मैंने समझाया है, जो थ्योरीज मैंने स्टेजेस आपसे डिस्कस करे हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो वो भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।